वेलकम टू माय चैनल। और आज हम मिसलेनियस एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से कि शो दैट द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। अब इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। हम यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन का रिजल्ट यूज होगा सिर्फ उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। और जो इसका बचा हुआ कंसेप्ट है वो आप जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 1.4, ठीक है ना, उसके एग्जाम्पल में, मतलब जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वहां पर ये सारी बातें सीख सकते हो, या फिर रिलेशन एंड फंक्शन की प्ले लिस्ट में भी सीख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। बाइनरी ऑपरेशन की बेसिक डेफिनेशन ये थी, ठीक है ना, कि बाइनरी ऑपरेशन जैसे स्टार है, नॉर्मली हम स्टार से डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। बाइनरी ऑपरेशन भी एक तरीके का फंक्शन होता है। फंक्शन क्या है, एक मैपिंग है सच दैट पहले सेट से दूसरे सेट तक, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन किसी एक पर्टिकुलर सेट पर काम करता है, और उसका जो पहला सेट होगा, ये भी तो फंक्शन है, उसका पहला सेट ये होता है, दूसरा सेट ये होता है, ठीक है। तो अगर स्टार किस पर है, ए पर है, तो तब भाई ये बात है कि ए क्या है, ए कोई सेट है, तो इस तरीके से। और इसकी डेफिनेशन फिर आगे क्या कहती है कि एक टाइम पर कोई दो एलिमेंट लेके चलो, ये मतलब कोई भी दो एलिमेंट आप लेके चलो, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ए बी इफ का मतलब क्या होता है, मैच में गिवन, मतलब ये कंडीशन लेके चलो कि एक टाइम पर दो एलिमेंट लेके चलो, कहां से, सीधी सी बात है सेट में से, ठीक है। और उसके बाद जो भी इन ए कोमा बी, मतलब इन दो एलिमेंटों पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो, कोई भी हो, मल्टीप्लाई एडिशन किसी भी तरीके का, ठीक है ना, जो भी इसका रिजल्ट आए वो उसी सेट का पार्ट होना चाहिए, ये कहती है बाइनरी ऑपरेशन। सिर्फ ये है इसकी बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसके बाद अब ये सारी चीजें हम पढ़ चुके कि ये मतलब कहां पर वैलिड होता है, ठीक है ना, बाइनरी ऑपरेशन, या फिर कहो इसका अपोजिट निकाल लो कि मतलब ये जो कॉन्सेप्ट कहां पर वैलिड नहीं होगा, कुछ इस तरीके से बात बताई थी आपको कि सिंगलटन सेट और एक इस तरीके से कि एम्प्टी सेट को वॉइड कहो या फिर कहो नल सेट, ठीक है ना। मतलब एम्प्टी क्या होता है, मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, सिंगलटन सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो। और बाइनरी ऑपरेशन में क्या कहती है इसकी डेफिनेशन, एक टाइम पर दो एलिमेंट लेके चलो, बाई का मतलब भी दो होता है, इस तरीके से भी ये चीज आप याद रख सकते हो, नाम में डेफिनेशन लिख रखी है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो अब डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे। अब जैसे यहां पर आगे किस तरीके से आइडेंटिटी की बात हो रही है और इसके बाद इनवर्स की बात हो रही है, तो यहां पर इनका जो रिजल्ट है सिर्फ उसके उसको यूज करेंगे, ठीक है ना। आइडेंटिटी का कुछ रिजल्ट, मतलब सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद इसका रिजल्ट क्या होता है, कुछ इस तरीके से कि ए स्टार ई ए के बराबर आ जाए, ठीक है, या फिर कोई इसका अपोजिट भी हो सकता है ई स्टार ई, ये है आइडेंटिटी का रिजल्ट। इसी तरीके से इनवर्स का रिजल्ट होता है, किस तरीके से, कि जैसे ए स्टार बी, ठीक है ना, और आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, या फिर कहो इसका अपोजिट, इसका अपोजिट मतलब बी स्टार ए, ये चीज, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी का रिजल्ट है और ये नीचे वाला इनवर्स का रिजल्ट है, ठीक है। अब ये रिजल्ट किस तरीके से है वो सारी चीजें जो 1.4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज वहां पर चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके हम डायरेक्ट, या फिर कोई रिजल्ट याद रख लो तो भी ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसके बाद तो अब जैसे न्यूमेरिकल क्या है कि शो दैट नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इस सेट पर, अब ये चीज तो आपको दिख रही होगी कि यहां पर दो एलिमेंट क्यों है, कम से कम दो तो होने जरूरी थे डेफिनेशन की वजह से, सही है। मतलब ये एक तरीके से कह दो, मतलब एक ऐसा सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट हो, जैसे सिंगलटन सेट है, मतलब सिंगल, इसी तरीके से बाई बना सकते हो, ठीक है ना, मतलब इस तरीके वर्ड यूज नहीं होते, मतलब अगर समझने के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसके बाद हैविंग वन एज आइडेंटिटी शो करनी है इस सेट की, ठीक है ना, और टू इनवर्स है टू का ही। अब यहां पर एक बात आपको ये भी बताई थी यहां पर कि जो बी है वो इनवर्स होता है ए का, और इसका अपोजिट भी होता है, क्या अपोजिट होता है, यहां से कहो या फिर यहां से, कि जो ए है वो इनवर्स है बी का, दोनों ही रिजल्ट होते हैं यहां पर साथ में, ठीक है। तो अब इसके बाद सबसे पहले आप ये दो डेफिनेशन लिख देना कि आइडेंटिटी की ये है, मतलब इसका रिजल्ट है, और इनवर्स का ये है, हम आगे डायरेक्ट सोल्व करेंगे किस तरीके से। अब जैसे थोड़ा सोचो, सबसे पहले आइडेंटिटी के हिसाब से सोच लो आप, जैसे किस तरीके से, अब जैसे क्या है ए स्टार ई, हमें ए स्टार ही नहीं दिखना चाहिए, हमें ए क्या है, किसी भी सेट के एलिमेंट, ए क्या है ये वाली बात है, ए और बी क्या है, जैसे यहां पर सिर्फ ए यूज हो रहा, कोई चीज बात नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके, और साथ के साथ ये भी होता है कि जो आइडेंटिटी है वो उसी सेट का पार्ट होता है,
जो भी सेट हो, जैसे अगर आपको इस ए सेट मानो तो ठीक है ना, तो इस तरीके से ये चीज कंपलसरी है ठीक है। और ये भी बात बताई थी कि किसी भी सेट का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होता है, ये सारी चीजें पहले डिस्कस हो चुकी हैं ठीक है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले ई कोई एलिमेंट है तो क्या हो सकता है, इस सेट के तो केवल दो एलिमेंट है, या तो वन हो सकता है या टू हो सकता है, ए की वैल्यू पुट के मतलब दो केस। स्टार ऑपरेशन मान लिया हमने, लिख देना कि इस बाइनरी ऑपरेशन का, जैसे कोई स्टार बाइनरी ऑपरेशन, इस इसका नाम दे देना ए सेट, ये सारी चीजें आप सबसे पहले लिख देना ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना सबसे पहले ई ठीक है ना। तो किस तरीके, अब जैसे वो कह सकते हो आपकी वन आइडेंटिटी दे भी रखा, ये चीज शो करनी है, शो तो वैसे क्या चीज शो करनी है कि जो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन है वो केवल वन होगा, एग्जैक्टली वन होगा ठीक है, या फिर ये वन शो कर दो आप आइडेंटिटी किस तरीके से, कुछ इस तरीके वन स्टार ई निकालना है ठीक है। उसके बाद क्या है कि इस तरीके से जो एलिमेंट लेके चले वही रिजल्ट आ जाए, वन लेके चल रहे हो तो वन, और इसी तरीके टू लेके चल रहे हो तो टू, और यहां पर ई। अब थोड़ा सोचो ठीक है ना, अब सीधी सी बात है यहां पर दे ही रखा है वन गिवन है, ये चीज तो कह देना मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट पहले से वन गिवन है ठीक है। तो इस तरीके से अभी यहां पर सीधी सी बात है ये वन लिखने पड़ेंगे गिवन है इस वजह से ठीक है ना, ये चीज लिख देना न्यूमेरिकल में ये। अब जैसे यहां पर हो सकता है, जैसे जब हमने बाइनरी ऑपरेशन मतलब 1.4 एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सोल्व किए थे एनसीईआरटी के, वहां पर एक ये बात मतलब अगर नॉर्मली इस तरीके से केस यूज होते बाइनरी ऑपरेशन, मतलब कौन से ऑपरेशन कुछ इस तरह मल्टीप्लाई एडिशन ठीक है ना, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, नॉर्मली बात करो प्लस टू तक ठीक है ना, तो इस तरीके से ठीक है। अब जैसे अगर मल्टीप्लाई के हिसाब से सोचो तो क्या कहोगे कि वन की मल्टीप्लाई किससे करें कि वन ये आ जाए, वन कहोगे उसके हिसाब से, वही चीज टू में कि मतलब टू की किससे मल्टीप्लाई करें हम ठीक है ना, कि टू आ जाए तो भी वन आएगा। लेकिन अगर एडिशन का केस हो तो, एडिशन का केस हो तो क्या हो जाएगा कि वन में क्या ऐड करें कि वन आए, तब आ जाएगा जीरो। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो भी हो सकता है वन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर कंडीशन पर, तो इसलिए ये चीज गिवन है ठीक है। अब इसके बाद तो इस तरीके से, अब इसके बाद ये चीज भी दे रखी है यहां पर कि जो टू है वो इनवर्स है टू का ही, मतलब टू इनवर्स है टू का, मतलब ये ए बी की वैल्यू मान ली ठीक है, और किसके बराबर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट वन दे रखा है इसी तरीके। अब ये चीज लिखो ना लिखो बात तो वही है, क्योंकि यहां पर ए और बी की वैल्यू बराबर है, इस वजह से पता चली ए और बी की वैल्यू बराबर है सही। इनमें से कोई भी चॉइस आपको, जैसे यहां पर तो बराबर है जैसे इसको ए को इसको बी को, या फिर मान लो कोई वैल्यू वेरी करती मतलब अलग होती ठीक है ना, तो चॉइस आपको पहले को मतलब ए मान लो दूसरे को बी मान लो, ये चॉइस है इस वजह से चॉइस है ठीक है। तो बस इस तरीके से सही है। अब इसके बाद ठीक है, अब थोड़ा सोचो हमने क्या चीज शो करनी है कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इस सेट के ऊपर केवल वन होगा, ये चीज शो करनी है ना। अब जब हमने मतलब या फिर इस तरीके से याद रख लो कि प्लस टू क्लास में नॉर्मली इन चार ऑपरेशन की बात होती है नॉर्मली, या फिर मतलब सारे के सारे न्यूमेरिकल इन पर डिपेंड है ठीक है ना, सिर्फ इन चार केस की बात होगी ठीक है। अब इसके बाद आगे सोचो कि जैसे अब जैसे ये दो केस हटा दें, ये दो केस हटा दे प्लस और माइनस का, जैसे इस तरीके से पढ़ रहे थे आइडेंटिटी में कि वन के अंदर किससे मल्टीप्लाई करे कि वन आ जाए, और अगर जीरो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर जीरो होता क्या होता है कि वन में क्या ऐड करे कि वन आए, तब आता जीरो सही है। अब ये चीज भी कह सकते हो आप मतलब प्लस टू क्लास में जो आइडेंटिटी एलिमेंट या तो जीरो आएगा या फिर वन आएगा, अगर ये चार केस है तो सीधी सी बात है ठीक है। अब इसके बाद याद रख सकते हो ये बेसिक चीजें ठीक है। तो अब इसके बाद अब देखो ये अब बचे हुए, अब तो ये दो केस बच गए ना, जीरो का तो केस है ही नहीं ठीक है। तो इस तरीके से मतलब यहां पर या तो मल्टीप्लाई का या फिर डिवाइड का, अब थोड़ा सोचो अब ये चीज आइडेंटिटी की वजह से ई स्टार ही, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं वन स्टार वन, क्योंकि दोनों एलिमेंट बराबर है मतलब, या फिर ए और ई कह दो ठीक है। लेकिन यहां पर वन स्टार टू लिखना और एक लिखना टू स्टार वन अलग अलग चीज है, एक तो आप लिखो टू स्टार वन, एक लिखो वन स्टार टू ठीक है ना। मतलब अब ये दो केस है मल्टीप्लाई और डिवाइड के बचे ठीक है। तो अब इसके बाद थोड़ा सोचो अगर जैसे मतलब सिंबल यूज कर ले एक बार ठीक है, कुछ इस तरीके से सेम चीज आएगी
टू इंटू वन करो और वन इंटू टू करो, बात बराबर है, रिजल्ट आए टू। अगर डिवाइड कर दो तो आप, तो क्या होगा, टू डिवाइड बाई वन, यहां से रिजल्ट आएगा टू, और यहां पर वन डिवाइड बाई टू, यहां पर रिजल्ट आएगा हाफ, या फिर को 0.5, और यहां से आएगा टू। क्या टू और 0.5 बराबर होंगे? नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से मतलब वो डिवाइड वाला केस भी चला गया, ये केस भी गया, बचा कौन सा, ये कह दो आप कि मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई के हिसाब से डिफाइंड है, सही है इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से लास्ट में लिख देना कि मतलब जो ए स्टार बी था, कह दो वो जो स्टार ऑपरेशन था वो मल्टीप्लीकेशन का हो जाएगा इस तरीके से, तो इसलिए वन होगा एग्जैक्टली, मतलब वही बाइनरी ऑपरेशन, ये भी कह सकते हो कौन सा होगा, मल्टीप्लाई की बात हो रही है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो बस मतलब कोई भी न्यूमेरिकल अपने आप आसान बना सकते हो आप, कुछ नहीं, बस जो बेसिक कंसेप्ट, एक तो ये चीज याद रखो, ठीक है, उसके बाद थोड़ा न्यूमेरिकल को सोचो, ठीक है, ये कंडीशन पहले से गिवन है, ठीक है, या आइडेंटिटी वन ही क्यों यूज किया, वन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वन क्यों यूज किया, अब ये बात आपको दिख रही होगी गिवन था, हमने तो ये चीज से मतलब था कि मतलब नंबर हो बाइनरी ऊपर से, जो बची हुई मतलब यहां पर लाइन लिख रखी स्टेटमेंट है वो रिजल्ट गिवन है, तो इसलिए वन होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब ये वाली चीज, सही है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से, और मतलब ये आप ट्रिक याद रख सकते हो कि प्लस टू क्लास में ये चार केस बाइनरी ऑपरेशन के मिलते हैं, और इसी वजह से आइडेंटिटी एलिमेंट या जीरो, या तो जीरो होगा या फिर वन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।